लगाओ साइड में। आपको नहीं पता कि भाई ऐसे सवारी नहीं बिठानी चाहिए भाई? बोलिए, आपको नहीं मालूम ऐसे बिठानी चाहिए सवारियां? बताइए ना, गलत है या नहीं है? हाँ लाइए डॉक्यूमेंट दी। चलिए आइए भाई साहब, एडिट करके आ जाए। आप रुके, आप रुके, बैठे हो, बैठे ही ना। आ जाइए, आ जाइए। अरे मम्मा कहीं इंजेक्ट कर रही है। इसको ले आना, आ जा बेटा, आ जा। आ जा, आ जा। नहीं नहीं, बस तो जाएगी। आ जाओ, खड़े रहो वैसे भी। आ जाइए। हाँ जो खड़े हैं। जो लोग खड़े हैं वही आना, बाकी सीटों पर रहने दो ना। मैं तो इतना सीट पे मेरे को नहीं गिनना चाहिए, सॉरी। क्योंकि इतना ही है, बत्ती आ जाइए अगर खड़े हैं। 33, 34, बस अब अंदर ही रहें। एक मिनट, थोड़ा साइड साइड कर। पकड़ना जरा, व्यस्त है ना अंदर। सीटेड बस है भाई, 95 सवारियां। आप लोगों को खुद भी नहीं लगता है भाई, इतने हाथ से हो रहे हैं, खुद भी नहीं लगता है क्या? जो भी है कोई बात नहीं, तो हमें पर हम क्या करें? सरकारी बस भी तो ओवरलोड गई है। नीचे उतरिए, ऊपर वाले नीचे उतरिए। सरकारी डॉक्यूमेंट लाओ, अपना सरकारी भी फुल थी। डॉक्यूमेंट लाइए। सर हमारी भी मजबूरी, हमने भी घर जाना है, अब काहे में जाएंगे? कोई ना सर, आप ये जाइए, 100 किलोमीटर जानी है बस। जान को जोखिम में डाल के घर तो नहीं जाना चाहिए, बताइए। आप एसडीएम के पास जाइए, बोल सकते हैं, वो आपको स्पेशल गाड़ी दे सकता है, ठीक है ना? लेकिन इस तरह से गाड़ी की छत पर सवार होके रूट का आप इस तरह से उल्लंघन कर रहे हैं, कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, ठीक है? ये गलत बात है, ठीक है ना? आपको कोई भी, हम लोगों की गलती नहीं है, आपकी गलती। कौन सी बार इस गाड़ी गलती? अगर हम नहीं बिठाए तो हम क्या छोड़ो? हम आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट लेके आइए हमारे लिए, तो चार स्तर जाइए, डॉक्यूमेंट लाइए। कोई बात, इसके लिए एमबीएच में प्रावधान दिया गया है, उसके हिसाब से काम करना। जाइए अपने डॉक्यूमेंट दीजिए, आपकी परमिट जो भी है वो लाइए, और लाइसेंस भी लेके आइए। जो गलत है, हाँ गलत बोल रहा हूँ तो बताइए। नहीं सर, हम लोगों के भी प्रॉब्लम ये बस यार, इसका मतलब ये थोड़ी ना सर कि इस तरह से जाएं। सर आप तो हमें सब क्या, आप कैसे जा सकते हैं? आप जनता हो, जनता नार्थन है, आप जा सकते हैं। बस नहीं है, सिस्टम तभी होगा जब इस तरह के काम कर लो, तभी हो सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, दिस इज नॉट फर्स्ट टाइम। मेरे पास मोबाइल है, मैं आप पुराना आपका फोटो दिखाता हूँ, जो आप बस नहीं है उस दिन, क्या था आपके भगदाल का ही है वो भी उस दिन था ना, सुनील कहाँ वो परे वहाँ पे मटला के पास, उस दिन सेम छत लगी हुई थी। उस दिन क्या था बताइए, उस दिन क्या बहाना था? सारी देर को बस याद है, उस दिन क्या बहाना था? 11 बजे की बात थी। लाइए डॉक्यूमेंट, लाइए भाई आप बैठ सकते हैं जो अंदर आ सकते हैं, लेकिन इंजन पे कोई आदमी नहीं बैठेगा, ऊपर छत की गोली है।
लगाओ साइड में। आपको नहीं पता कि भाई ऐसे सवारियां नहीं बिठानी चाहिए भाई, बोलिए, आपको नहीं मालूम ऐसे बिठानी चाहिए सवारियां? बताइए ना, गलत है या नहीं है? हाँ लाइए डॉक्यूमेंट दी। बेस्सी है ना अंदर। जो भी है कोई बात नहीं, तो हमें पर हम क्या करें, सरकारी बस भी तो ओवरलोड गई है। नीचे उतरिए, ऊपर वाले नीचे उतरिए। सरकारी डॉक्यूमेंट लाओ, सरकारी भी फुल थी। हमारी भी मजबूरी, हमने भी घर जाना है, अब काहे में जाएंगे? बोलिए ना सर, आप ये जाइए, दूर जानी, 100 किलोमीटर जानी है बस। जान को जोखिम में डाल के घर तो नहीं जाना चाहिए, बताइए। घर से घर आप एसडीएम के पास जाइए, बोल सकते हैं, वो आपको स्पेशल गाड़ी दे सकता है, ठीक है ना। लेकिन इस तरह से गाड़ी के छत पर सवार होके रूट का आप इस तरह से उल्लंघन कर रहे हैं, कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, ठीक है, ये गलत बात है। तो हम ठीक है ना, क्या करें? कोई हम लोग, कोई गलती नहीं है, आपकी गलती, कौन सी बीमारी है? हम नहीं बिठाए तो हम के लिए छोड़ो, हम डॉक्यूमेंट लेके आइए, हमारे लिए तो चारों तरफ जाइए, डॉक्यूमेंट लाइए, कोई बात। इसके लिए एमबीएफ में प्रावधान दिया गया, उसके हिसाब से काम करना, जाइए अपने डॉक्यूमेंट दीजिए, आपकी परमिट जो भी है बताइए, और लाइसेंस भी लेके आइए। जो गलत है, हाँ गलत बोल रहा हूँ तो बताइए। नहीं सर, हम लोगों के भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये बस यार, इसका मतलब ये ढूंढना सर कि इस तरह से जाएं। सर आप तो हम सब नहीं क्या कैसे जा सकते हैं? आप जनता हो, जनता जनार्दन है, आप जा सकते हैं, बस नहीं है। सिस्टम तभी होगा जब इस तरह के काम करोगे, तभी हो सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, दिस इज नॉट फर्स्ट टाइम, मेरे पास मोबाइल है, मैं आप पुराना आपका फोटो दिखाता हूँ, आप बस नहीं है। उस दिन क्या था? आपका भगदान का ही है, वो भी उस दिन था ना, सुनील कहाँ वो परे वहाँ पे मटना के पास, उस दिन सेम छत लगी हुई थी, उस दिन क्या था बताइए, उस दिन क्या बहाना था? उस दिन क्या बहाना था? 11 बजे की बात नहीं चाहती, बताइए डॉक्यूमेंट लाइए भाई। आप बैठ सकते हैं जो अंदर आते हैं, ठीक है, लेकिन इंजन पे कोई आदमी नहीं बैठेगा, ऊपर छत पे कोई नहीं। चलिए आइए भाई साहब, एक एक करके आइए, आप भी आइए, आइए। 3 4 5 6 आ जाओ, हेलो सर, आप रुके, आप रुके, तो बैठे हो, बैठे ही ना, 11 आ जाइए, आ जाइए। अरे मम्मा कहीं जा फिर गई है, इसको ले आना, तुम से आ जाओ बेटा, आ जाओ, नहीं नहीं बस तो जाएगी, 16 आ जाओ, जो खड़े हो वैसे भी आ जाइए, हां जो खड़े, 17 जो लोग खड़े हैं वही आना, बाकी सीटों पर रहने दो ना, मैं तो इतना सीट पे मेरे को नहीं गिनना चाहिए, सॉरी, क्योंकि इतना ही है, 32 बस, अब अंदर ही रहें, एक मिनट थोड़ा साइड साइड।